मोमी ने कहना बेटी दे मोमी दे आई सी कुर्सी लो आओ जल्ले जनरेशन आ गई है ना बड़ी खौफनाक है राइट टाइम पहले मैं चार पहले पहले तेरे बजे का जदा कल्ला यहाँ इस हेलो 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का जो ये प्रोग्राम है ये एक ताज़ियती रेफरेंस है और हमने लिखा है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर डायरेक्टर दाऊद भट्ट के नाम। तो ये शाम जाहिर है कि आप लोग सब अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं, तो आज की ये शाम हम दाऊद भट्ट साहब के नाम कर रहे हैं। और आम तौर पे अक्सर ये हुआ करता था कि वो एवेन्यू स्टूडियो में मौजूद हुआ करते थे, तो अक्सर शाम में तमाम लोग आप दोस्त जो बैठे हैं वो उनके साथ में बैठा करते थे। ताज़ियती रेफरेंसेस में ज़्यादातर देखा ये गया है कि बहुत कम लोग आया करते हैं। हमने देखा है कि जो नामी गिरामी लोग हैं, जो नामवर शख्सियात हैं, वो कम देखी गई है। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है और मुझे लगता है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में आज भी वो लोग मौजूद हैं जो अपने जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनका उनके बारे में उनके ताज़ियती रेफरेंस में शामिल होना चाहते हैं। और ये एक अच्छी रिवायत है। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से इस तरह की कोई जो जिंदा लोग हैं उनके लिए भी हम तकरीबात सजाया करें। तो सबसे पहले तिलावत कलाम पाक के लिए मैं राना नवीद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक पेश करें। कराची के जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उनको अभी थोड़ा सा आप सब जितने हमारे ये लेजेंड बैठे हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ड्रामा टाइप तो पंजाबी फिल्म ज़रूर बन जाएगी लेकिन फिल्म नहीं बन सकेगी। देखिए लाहौर की फिल्म थी चूड़ियाँ या दीगर फिल्में, वो फिल्में हमारी पंजाबी फिल्म मौला जट और दीगर फिल्में देख के मौला जट फिल्म देख के आज इंडिया में फिल्में बन रही हैं और वो बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप तमाम लोग भी अब दोबारा से उस तरह की फिल्में बनाएंगे जो आज के सिनेमा की ज़रूरत है। और मुझे कल किसी साहब ने मुझे कहा, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, वो कहते हैं कि जी इंशाल्लाह अनकरीब मसूद भट्ट साहब एक बहुत बड़ी मेगा फिल्म बनाने जा रहे हैं जो टोटली सिर्फ मल्टीप्लेक्स सिनेमा के लिए होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जी आज भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये रिवाइवल हो जाए, पाकिस्तानी
जो असल सिनेमा है हकीकी सिनेमा का। तो मैं मुल्तमिस हूँ मैडम दुर्दाना रहमान खान साहब, मसूर भट साहब, पाशा साहब, मशरसा पड़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये फीलिंग आ रही है कि वाकई जो चला जाता है वो अच्छा होता है, उसके लिए लोग जमा होते हैं, दुआगो होते हैं। अल्लाह इन सब लोगों को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। दाऊद भट सर के साथ मेरा बहुत अच्छा मिलना जुलना था क्योंकि वैसे तो मैंने उनके साथ एक फिल्म भी की थी, लेकिन वैसे ही ये जो मीटिंगें पीछे सारी होती थी तो मेट्रो लाइव आप जानते हैं कि जी मेट्रो लाइव अखबार, मेट्रो लाइव टीवी और इसी तरह मेट्रो लाइव एक डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करता है। तो हमारा जो इस इदारे का मकसद है वो यही है कि जी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तरवीज व तरक्की के लिए हम काम करें। तो आज यहाँ पर वडेरा जो फिल्म थी, उस वडेरा का जो सबसे बड़ा किरदार था, आम किरदार था, मुस्तफा कुरैशी साहब जो दाऊद भट साहब के देरीना दोस्त भी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, कराची से तशरीफ लाए हैं। तो उनसे भी इशारे ख्याल करेंगे और वो कुछ यादें शेयर करेंगे। मैं सबसे पहले इजहार ख्याल के लिए मैं दावत का खिताब दूंगा जनाब अच्छी खान साहब को। वो ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं लगा कि उनकी कब डेथ हुई है। वो भी एक शख्सियत थी, एक बड़ा नाम था, तकरीबन 65 साल की उनकी भी सर्विस थी। और मैंने एक फ़िल्म देखी यक्के वाली, उसमें उनका टाइटल मैंने देखा था, उस वक्त से वो काम कर रहे थे इंडस्ट्री के लिए, उनकी भी बड़ी खिदमात थी। अल्लाह ताला हमारे जितने भी दोस्त हैं, बाप बहन यहाँ से जितने भी हमारे अजीज़ दोस्त, हमारे टेक्नीशियंस जितने भी आज थे इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए और सबके दर्जात को बुलंद। फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम, मुसन्निफ बहुत अच्छे हैं, कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने पहले बड़ा समझता था, सारी बातें दाऊद भट नाम है तो बट जितने होते हैं बड़े, मगर जब उनसे मिले तो वो लगता जैसे मैं लखनऊ से आया हुआ, इतने नफासत से, इतने प्यार, इतनी वो मोहब्बत से बात करते थे, उतने लगते ही नहीं थे। मगर पहले डायरेक्टर तो थे, वो बड़े बड़ा उन्होंने बड़े बड़े फिल्में बड़ी बनाए, वो कहना बेटर नो डाउट, बहुत बड़ी फिल्म थी उनकी। और खास से मैं समझता हूँ कि वही साहब का तो काम था ही बहुत, वो पहली फिल्म थी, मैं समझता हूँ जो बाबर खान से ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ, बाबर खान को लोगों ने लाइक किया बाबर खान बहुत। मगर असल में मैं समझता हूँ बेटर ही बाबर की और आरफा सिद्दीकी की बड़ी फिल्म थी, जिसके तो उनको काम आ गया। बहुत बड़े एक्टर थे, अल्लाह उनको अफरत करे और उनकी पूरी फैमिली को परवरत करे, सब थे और उनको जन्नत में दाखिल करे। बड़ी अच्छी आपने फसल रहेगी, माँ जी अच्छी होगी।
ये देखे जो बड़ा है जो आया नहीं बंद हो गया अगे करो ना समझ गया अगे करो अगे करो नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा तू चले जाओ ना तुम अपना तबसुम आप सर साहब लसंस में गया ये देखे साहब ये दानी साहब जी शुक्रिया लेजेंड का एक बड़ा सफ़र होता है और जो ये बैठे हैं ये लोग हैं लेजेंड। तो मैं मुल्तमिस हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम लेजेंड डायरेक्टर जनाब अल्ताफ हुसैन साहब से कि वो आए और अपनी यादें शेयर करें। सेकेंड मेरा पिता दो बेटे मुझे अल्लाह तैयार ही हो गया और ये तीसरा बेटा भी पाँच दो बच्चे मेरे पास आया था तो बाहर अमरीका मैं अपने तालीम के लिए सीधा मेरे पास आया उसको मैं तीन मना रहा और मेरा उसको से था हम थे खबर तब आती है कि जब खुला इंतकाल। अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ? अगर वो बीमार है और कुछ हफ्ते बीमार है या महीने बीमार है तो ये खबर मिलनी चाहिए, पता चलना चाहिए ताकि हम पहुंचे। हम अगर उसको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है हम अपनी विसात के मुताबिक वो करें, हम उस ताकि हो सकता है कि हमारे इस आने से या उसकी अयादत करने से हो सकता है कि उसकी मौत कुछ अर्सा टल जाए। कई यहाँ मिसालें हैं कि अचानक खबर आती है कि फलां का इंतकाल, अरे उससे पहले भी तो उसके साथ कुछ हुआ होगा तो उसकी खबर होनी चाहिए। वो न हुकूमतें करती है न हमारा मीडिया करता है, इसके लिए हमें सबको एक होना पड़ेगा हुकूमतों के साथ भी बात करने के लिए। मेरी पहली पंजाबी है, चार खून दे प्यासी। मैं जाहिर है पंजाबी पर मेरा उबूर नहीं था, ऑफर्स होती थी मैं इनकार करता था कि यार पंजाबी जबान में मेरा नहीं है, आप क्यों अपनी फिल्म ख़राब करना चाह रहे हैं। लेकिन एक फिल्म की मैं उर्दू फिल्म की शूटिंग कर रहा था एवरग्रीन स्टूडियो में तो अल्ताफ साहब ने सीखा मुझे, मैंने कहा मुझे पंजाबी
नहीं आती। कहने लगे जी आप जैसी भी बोले, आप जैसी भी बोले, हम मेरी जिम्मेदारी। ऊपर से फिर मुनव्वर सईद भी उस फिल्म में काम कर रहा, और मुनव्वर सईद ने भी मुझे कहा कि यार मैं तो उर्दू दान हूँ, सजाता है, डायरेक्ट करता है, और फिर बेशक हमने अगर थोड़ी बहुत सूझबूझ है तो हम परफॉर्म करते हैं और अवार्ड ले लेते हैं, आप पीछे रह जाते हैं, अवार्ड हम ले जाते हैं, हम लेजेंड बन जाते हैं, हालांकि हम लेजेंड आपके पर उन्हें भी नजर है। मैं सबसे कहता तो कराची में तकरीब थी उस वडेरा फिल्म की कामयाबी पर, और फिल्म हिट हो गई, फिर क्रेडिट जो जाता है दाऊद भट्ट को और जयनर तेजी का और मोहम्मद कमाल पाशा साहब। दूसरी बार पंजाबी की अल्फाज, उसकी जबान मुझे सिखाने में मोहम्मद कमाल पाशा साहब का भी नाम मुझे हमेशा बताया, मुझे हमेशा सिखाया। जेलर तकैदी में एक तरह से जेलर तो मैं था ही, राय साहब पहली बार, लेकिन कैदी भी मैं था। अगर देखा जाए तो मेरा टाइटल था, अपनी जेल में मैं कैदी हो जाता हूँ, उस जेलर के कैदी में मैं विलेन नहीं था, वो भी सुपर हिट फिल्म थी। उसके बाद मैं लाइसेंस, जैसे मोहम्मद कमाल पाशा साहब ने लाइसेंस का जिक्र किया, बिल्कुल एक एक लफ्ज इन्होंने सच का, ऐसा ही वाइंड अप बोलने वालों के खानदान में से हूँ, सही रही सिंगरोवी और बड़े बड़े जो थे। तो मैं जब कर रहा हूँ पंजाबी फिल्म, तो आपकी तो जबान सिंधी है और सिंधी और पंजाबी तो सिस्टर लैंग्वेजेस है, करीब करीब है। बहरहाल मुझे हौसला मिला, मैंने हाँ की और वो शूटिंग। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो मेहमान हैं, मेहमानों में से उनके फादर थे अनवर कमाल पाशा साहब, तो बहुत बड़े आदमी थे, और उन्हीं के साहबजादे जनाब मोहम्मद कमाल पाशा साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। तो आइए आप इजारे तैयार ख्याल करें जनाब दाऊद भट्ट साहब के हवाले। अस्सलामुअलैकुम, सबसे पहले दाऊद भट्ट साहब के लिए ये बना मफरत की दुआ, अल्लाह ताला उन्हें कर करवट जन्नत नसीब करे। सब ने बहुत कुछ कहा, मैंने तो बहुत कुछ लिखा, लेकिन आज दाऊद भट्ट साहब के कहने के लिए इल्फाज का कहर पड़ गया। लेकिन फिर भी कुछ कहना तो पड़ेगा। सबसे पहली बात कि वो एक डायरेक्टर को बाद में एक बाअदब शागिर्द थे, इल्ताफ हुसैन साहब, अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे, इल्ताफ हुसैन साहब के साथ उन्होंने काम किया, और जैसा कि इल्ताफ साहब बता रहे थे, उन्हीं के फिल्म साहबों ने दाऊद भट्ट साहब के मुझे कहा कि हम दाऊद भट्ट साहब को अगली फिल्म डायरेक्टर रखना चाहते हैं। मुस्तफा कुरैशी साहब आपसे दरख्वास्त के उनके हवाले से आपके लिए आप بسم الله الرحمن الرحيم.
Allah'a emanet olun.